अपना भी हकीकत में है दरिया, लेकिन हमको तकलीद तंगे जरफिये मंसूब नहीं। दोस्तों याद रहे कि आज ज़कात तो तौज़ी दो फिर रिस्क, ज़कात जो है वो रिस्क में इजाफा करती है। सवाल ये पैदा होता है कि रिस्क क्या है? हर वो नेमत जो अल्लाह ताला की जात ने आपको दी वो रिस्क है, वो चाहे प्रॉस्पेरिटी हो, ब्यूटी हो, पावर हो, करेज हो, आपकी इनकम हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी विक्ट्री हो, आपकी सक्सेस हो, आपका नॉलेज हो, ये सारी की सारी चीजें रिस्क की टाइप्स हैं, ये रिस्क की किस्में हैं। अगर ये रिस्क की इकसाम में आप इजाफा चाहते हैं तो हुक्म यही है कि आप इसमें से ज़कात दें। हजरत अली करमल्ला वजह से किसी ने पूछा पावर की ज़कात क्या है, तो आपने फरमाया कि पावर की ज़कात है इंसाफ करना। इसी तरह आपसे पूछा गया कि खूबसूरती की ज़कात क्या है, तो आपने कहा कि खूबसूरती की ज़कात है इफ्फत, चेस्टिटी। फिर आपसे पूछा गया कि हेल्थ की, सेहत की ज़कात क्या है, तो आपने कहा कि ताअत अल्लाह, अल्लाह ताला की ओबीडियंस करना हेल्थ की ज़कात है। फिर आपसे पूछा गया कि शुजात की, करज की ज़कात क्या है, तो आपने कहा कि जिहाद करना, स्ट्रगल करना, अच्छे के लिए स्ट्रगल करना। फिर पूछा गया कि जिस्म की ज़कात क्या है, तो आपने कहा कि फास्टिंग करना, रोजे रखना जिस्म की ज़कात है। फिर पूछा गया कि इल्म की ज़कात क्या है, आपने फरमाया यो अल्लाह महा अहलहू, जो अहल हैं उन तक इल्म पहुंचा देना तुम्हारे इल्म की ज़कात है। फिर पूछा गया कि प्रॉस्पेरिटी की, खुशहाली की ज़कात क्या है, तो आपने फरमाया कि सिला रहमी और लोगों से अच्छे ताल्लुकात को बहाल रखना। हजरत अली करमल्ला वजह फरमाते हैं पाक है वो जात जो किसी से नहीं लेती, सबको देती है। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।